प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आराम से और नीचे और आ जाएगा, संभालिए सेठ जी, आराम से। क्या किया बका तूने? सेठ जी मैं क्या करता, वो लोग दोनों अचानक बीच में आ गए और उनको बचाने के चक्कर में मेरा बैलेंस गया। चल चल अभी जल्दी जल्दी। आराम से आइए। थैंक यू भाई साहब। बैग। थैंक यू भाई। आराम से, धीरे धीरे जाने दो। बैठ गए? हाँ बैठ गया। चल चलिए। अरे वापस कहाँ जा रहे हैं? नहीं सेठ जी एक मिनट, ऐसे एक मिनट। हाँ हाँ इस तरफ। अरे फिर वापस उल्टा जा रहा है। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। क्या कर रहे हैं, गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? नहीं सेठ जी एक मिनट। अरे भाई क्या कर रहे हैं तू? सेठ जी इसका हैंडल टेढ़ा हो गया है। हाँ तो सीधा कर ले। कब से वही करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। तो अभी अभी ये स्कूटर इधर ही ऐसे ही गोल गोल घूमेगा। अरे बाप रे, अरे तो मैं बबीता जी तक पहुंचूंगा कैसे? अरे इधर का रिक्शा भी नहीं दिख रही है। सेठ जी मोपेड है? वो देखिए मोपेड। हाँ आप उस पे बैठकर बबीता जी तक पहुंच सकते हैं। क्यों, वो भी तेरे दोस्त का है? नहीं आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आपको ये चलाना आता है? हाँ आता है। बस तो आप उस पर बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकलिए, बाकी इसके मालिक को मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक। आराम से सेठ जी। संभालना। अरे अरे अरे, अरे मेरी मुंह पर, अरे चोर ले गए हो गाड़ी मेरी। चोर 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 चोर। अरे भाई साहब वो चोर नहीं है, हमारे सेठ जी हैं। मतलब चोरों के सेठ? नहीं, वो बहुत ही इज्जतदार आदमी है, उनको एक अर्जेंट काम है इसलिए आपका मोपेड लेकर गए हैं और मुझे आपके पास गिरवी छोड़ के गए हैं। लेकिन तुम्हारे सेठ जी ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। क्यों? गाड़ी में पेट्रोल कम है। हो गया, ये क्यों बंद पड़ गया? अरे भाई अभी मत बंद पड़, बबीता जी का प्लान है। अरे चालू हो जा भाई, चालू हो जा। अरे बंद हो गया, चालू हो गया।
अरे बंद हो गया, चालू हो गया, चालू हो गया। अरे भाई क्या तू मुझे कर रहा है, चालू। ए भगवान, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। कैसे पहुंचू बबीता जी के पास? इसमें पेडल है, साइकिल की तरह पेडल मार के भी पहुंच सकता हूँ। हाँ बबीता जी फिक्र मत करो, आज मैं आपका प्लेन मिस नहीं होने दूंगा। बबीता जी यहाँ पहुँचने के लिए एक बड़ी जंग खेल कर आया हूँ। अरे आपके किसी से हाथापाई हुई? नहीं नहीं, हाथापाई नहीं हुई, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो हाथापाई भी करके आता बबीता जी। तो फिर ये चोट कैसे लगी आपको? वो क्या बताऊं, यहाँ पहुँचने के लिए 2-3 बिगड़े हुए स्कूटर बदल बदल के पहुँचा हूँ बबीता जी। उसमें जो पहला वाला स्कूटर था ना, वो थोड़ा 2-3 लोग आगे आ गए, जल्दी जल्दी आने के चक्कर में बैलेंस गया, वो गिर गया, उसमें थोड़ा चोट लग गई। और कुछ नहीं, उसको टेंशन लेने की बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। थैंक यू जाडालाल। जेठा जी आप हीरो है हीरो, हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। हाँ बबीता, चलो लेट हो रहा है, फ्लाइट मिस हो जाएगा। थैंक यू सो मच अगेन जेठा जी, थैंक यू सो 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 मच। अरे बबीता जी, अरे थैंक यू क्या, थैंक यू की बात ही नहीं है, एक दोस्त होने के नाते और एक पड़ोसी होने के नाते यह तो मेरा फर्ज है। अरे बबीता, अगर जेठालाल के साथ ऐसा कुछ होता तो मैं भी अपना फर्ज नहीं पाता। टैक्सी, चलो चलो बबीता। थैंक यू सो मच जेठा जी अगेन, थैंक यू सो 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 मच। अरे प्लीज प्लीज, थैंक यू मत बोलिए प्लीज। ओके अय्यर भाई, हां संभल के जाना, और कलकत्ता पहुंच के फोन कर देना। जी जी, बाय बाय। और कभी भी ऐसा कुछ भी जरूरत पड़े मेरे तो। हाँ चलो 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 भाई, मैं तो बोलते रहूँगा, चलो फ्लाइट निकल जाएगी। ओहो हो गए, चलो मिशन बबीता जी कामयाब। आइस, अरे बाप रे, अभी इसका क्या करो? एक काम करता हूँ, बाघा को इसके मालिक के साथ इधर ही बुला लेता हूँ भाई। ओ ये एक दूसरी मुसीबत। हाँ हेलो बाघा। आज नहीं छोड़ू तने दे धन धन, हैया मत तूफान भरू छे चल चलो चल, तू तो समझे छे मने फुट हवे चल। दया ए फुट हवे चल। कुछ नहीं, वो मैं
स्कूटर पर से गिर गया। अरे इस उम्र में आपको स्कूटर सीखने की क्या जरूरत पड़ी? अरे भाई मैं स्कूटर सीख नहीं रहा था वो। एक मिनट मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। बैठिए। ये वही दवाई है ना जो तेरी माँ ने भेजी थी? हाँ? रुआ आपने पहचान लिया? इसको कैसे भूल सकता हूँ, पिछली बार तूने लगाई थी कितना जला था मुझे। अरे वो तो सिर्फ 2 मिनट जलता है। तेरे लिए सिर्फ 2 मिनट थी, मेरे लिए 120 सेकंड थी। नहीं बहनी ये दवाई मैं नहीं लगाऊंगा। टुबू के पापा ऊपर देखिए क्या है। अरे ये 1000 की नोट आपकी है? चुप रहे। क्या छोटा बच्चा समझा है? ऊपर देखिए नीचे 1000 की नोट आपकी है। उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है कब से। मैं ये दवाई नहीं लगाऊंगा, मतलब नहीं लगाऊंगा। अच्छा बाबा ये दवाई नहीं लगाते हैं? ये क्रीम लगाओ, चलेगा? ये नहीं चलेगा। तो इसको क्यों छुपा के रखा था? मतलब लगाऊं? शाबाश, थैंक यू। हो गए। तो बताइए ये कैसे लगा? अच्छा है। नहीं, मेरा मतलब है ये लगा कैसे? वही अच्छा है, क्रीम ठंडा है, जल नहीं रहा है। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चोट कैसे लगी? अच्छा, चोट लगी कैसे? हाँ। अरे वो क्या हुआ, वो अय्यर भाई और बबीता जी आज वो दुकान में आए थे। जो सेवा करते हैं ना वही असली सेवा होती है, और ऐसी सेवा करने से ही मेवा मिलता है। इसका क्या मतलब? निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से मेवा मिलता है। हाँ। तो फिर ये सेवा निस्वार्थ कैसे हुई? आपकी बात में दम है। मैं माँ से पूछती हूँ, क्योंकि क्या है माँ कभी कोई गलत बात नहीं बोलती। ये बात में भी जरूर कोई गहन भेद छुपा होगा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है? मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं माँ को फोन करती हूँ। माँ का फोन, देखा आपने, माँ को अंतस्फूर्णा हुई कि उसकी बेटी याद कर रही है और माँ ने फोन किया। वाह, अय्यर भाई। हाँ बोलिए अय्यर भाई। अच्छा हाँ, आप विमान में बैठ गए हैं? हाँ, मैं टप्पू के पापा को बोल दूंगी। अरे बता ही देती हूँ, सामने ही बैठे हैं। अरे क्यों? अरे वो एयर होस्टेस मैन ने बोला कि विमान चालू हो रहा है तो फोन बंद कर दो, तो अय्यर भाई ने फोन बंद कर दिया, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो हंस, मेरी मेहनत सफल हुई। बबीता जी और अय्यर भाई सही सलामत प्लेन में पहुंच गए। दया चल इस बात पे एक मस्त मसालेदार कड़क चाय बना। मसाला वाली चाय नहीं, इस हालत में आपको हल्दी वाला दूध पीने की सब जरूरत है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दया भाई तुझे पता है मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। दूध नहीं भाई। अच्छा ठीक है, मैं एक ऐसी चीज बनाती हूँ जिससे आप भी खुश और मैं भी खुश। अच्छा कौन सी? हल्दी वाली चाय।
हाँ बोलो जेठाला। अरे बाप रे, गलती से भिड़े अंकल के मोबाइल पे फोन लग गया। हाँ भिड़े अंकल, सोनू को फोन दीजिए ना। है? क्या, कौन बोल रहा है? टप्पू बोल रहा हूँ भिड़े अंकल, आप सोनू को फोन दीजिए। टप्पू बता काय झालं? टप्पू का फोन रहा है, बोल रहा है सोनू को फोन दो। तो देकर आइए ना, उसमें क्या है? अरे एक वाजले की थी बग, 3 बजे रात के। रात की थी, क्या काम है उसे? अरे काम जो भी हो माधवी, ये कोई वक्त होता है फोन करने का? ये टप्पू, तुम क्या पागल हो गए हो जो इतनी रात में मेरी बेटी को फोन कर रहे हो? सॉरी भिड़े अंकल, टप्पू को जरूरी काम है, वरना टप्पू आपकी बेटी को कभी फोन नहीं करता। है? मतलब टप्पू अपनी दोस्त सोनू को आधी रात को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। अरे ये आगा, शांति से बात कीजिए, कितना चिल्ला रहे हैं आप? पहले पूछिए तो सही कि काम क्या है। क्या काम है सोनू से? भिड़े अंकल, वो मैं आपको नहीं बता सकता, सीक्रेट है, मैं सोनू को ही बताऊंगा। ये सीक्रेट वाले, तू अभी आ यहाँ पे। हेलो टप्पू बेटा, क्या काम है बेटा सोनू से? बेटा? हाँ माधवी आंटी, सोनू को फोन दीजिए ना, बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ, आप भी बुलाती हूँ बेटा, एक मिनट। क्या देती हूँ, क्या देती हूँ? कुछ जरूरी काम होगा, इसके पहले टप्पू ने आधी रात को कभी फोन किया है? क्या, लेकिन इसको क्या अर्थ है कला कही? शांत रहो, मैं अभी देखकर आती हूँ सोनू को। मैं देखकर आती हूँ, फोन मेरे पास रख, सोनू को इधर बुला, जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। आप दोनों में ना 36 का आंकड़ा है, 36 का। टप्पू जरा जेठा को फोन दो। भिड़े अंकल जरा टाइम देखो, रात के 3 बजे, पापा अभी सो रहे। ये हुशार, तो मैं भी कोई अमेरिका में नहीं रहता हूँ, मेरे घर में भी रात के 3 ही बजे है। जेठाल को उठाओ अभी के अभी। सॉरी भिड़े अंकल, मैं पापा की नींद नहीं बिगाड़ सकता। हैं? वैसे पापा से क्या काम है आपको? तुम्हारी कंप्लेंट करनी है। नहीं नहीं भिड़े अंकल, पापा डांटेंगे। हाँ तो डांटने दो, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं भिड़े अंकल, मुझे नहीं, पापा आपको डांटेंगे। हैं? क्योंकि पापा को खाते वक्त और सोते वक्त कोई भी डिस्टर्ब करे तो पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है अभी मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, पता है तुम्हें? हाँ, तू तु यहाँ पे आ, तुम्हें बता तो मैं तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है। पापा फोन दो ना। ठीक है, बात करो। सोनू तू थोड़ा दूर जाके बात कर, और भिड़े अंकल ने जो स्पीकर ऑन किया है ना वो ऑफ कर। ओके सॉरी बाबा। सॉरी कसम, उल्टा पो सुन। ओके ओके डन। और सुनो, भिड़े अंकल को मेरे तरफ से सॉरी और गुड नाइट बोल देना। हाँ हाँ ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट बाबा। ये क्या है, गुड नाइट का है? क्या कहा टप्पू ने? टप्पू ने कहा कि भिड़े अंकल को सॉरी और गुड नाइट बोल देना। उसके पहले क्या कहा, वो डन डन क्या क्या डन किया तुम लोगों ने? वो मैं आपको नहीं बता सकती, सॉरी। देखा देखा, अभी हमसे बातें छुपाने लगी है। सोनू बाड़ा, आई बाबा से कोई भी बात नहीं छुपाते, बोल बेटा क्या बोला उसने? आई मैं ये बात नहीं बोल सकती, कभी कभी कुछ बातें छुपाना मजबूरी होती है। मैं वक्त आने पर आपको सब बता दूंगी, आई प्रॉमिस, गुड नाइट। ए ए ए, बगीतला बगीतला, ये टप्पू की संगत में रहकर सोनू बिगड़ गई है। त्यात काय बिगड़ायचं लगेच, उसने कहा ना वक्त आने पर वो बता देगी, मतलब बता देगी। चलिए सो जाइए, टेंशन मत लीजिए। अरे क्या टेंशन मत लीजिए, अरे टप्पू का दूसरा नाम ही टेंशन है। टी फॉर टप्पू, टी फॉर टेंशन। कभी कभी टप्पू मुझे टी फॉर टेंशन देता है, या तो मेरे साथ कभी कभी टी फॉर टाइम पास करता है। अहो सो जाइए, अभी थोड़ी देर में टी फॉर टी टाइम होने वाला है। रात को 3 बजे अगर आपके फोन की घंटी घनघनाए तो टेंशन तो होता है, सब टेंशन होता है कि क्या हो गया, किसका फोन है। और जब फोन करने वाला टप्पू जैसा कोई बच्चा हो जिससे भिड़े की कुंडली वैसे ही नहीं मिलती, तो टेंशन तो बढ़ने वाला है, कुछ तो हंगामा जरूर होने वाला है। लेकिन ये हंगामे तो यहाँ गोकुल धाम में होते रहते हैं। एक विशेष बात, इस रविवार को मदर्स डे यानी माँ का दिन, वैसे तो 365 दिन
माँ ही के दिन है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम जिंदगी में खुशियाँ पाते हैं, मुस्कुराहट पाते हैं। लेकिन इस रविवार को, इस मदर्स डे को बेहतर ढंग से मनाने के लिए आपसे एक विशेष गुजारिश करता हूँ मैं। सिर्फ इतना सा कीजिए, इस सोमवार और मंगलवार को तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड अपनी मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ देखिए। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको इतना मजा आएगा जिसकी हद नहीं। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में क्या होने वाला है, जिसके लिए टप्पू ने रात को 3 बजे भिड़े को फोन किया और बात की सोनू से, क्या बात हुई, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या प्लानिंग है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए मेरे साथ। और हाँ, एक बार फिर से मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।